हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगिता। वेलकम टू आवर चैनल बोल्ड स्काई। डायबिटीज रोगियों के लिए कई ऐसे फल होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं में से एक फल है सेब। लेकिन अक्सर डायबिटीज रोगियों के लिए ये समझ नहीं आता कि उनके लिए लाल सेब खाना फायदेमंद है या हरा सेब। तो चलिए आज बात करते हैं डायबिटीज में लाल सेब खाएं या हरा सेब। यदि आपको सेब पसंद है तो बेहतर है कि आप इससे पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लें। लेकिन डायबिटीज के रोगियों के लिए अपनी डाइट में चीनी अधिक शामिल नहीं करना चाहिए। सिर्फ उन फलों को शामिल करना चाहिए जिनमें शुगर कम हो। और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हरा या लाल सेब में से नेचुरल शुगर किस में अधिक होता है, ताकि ब्लड शुगर लेवल को मैनेज किया जा सके। यदि आपको डायबिटीज है तो आप दोनों रंग के सेब खा सकते हैं, लेकिन लाल के मुकाबले हरा सेब पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हरे सेब में लाल सेब के मुकाबले नेचुरल शुगर कम होता है, साथ ही हरे सेब में फाइबर भी अधिक होता है। ऐसे में जब डायबिटीज के रोगी को हरा सेब देते हैं तो उसके शरीर की शुगर तेजी से नहीं बढ़ती। ऐसे में अधिकतर विशेषज्ञ भी डायबिटीज के रोगियों को लाल सेब खाने की तुलना में हरा सेब खाने की सलाह देते हैं। डायबिटीज के मरीजों को फल खाते समय उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान रखना चाहिए, और लाल सेब की तुलना में हरे सेब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। इसके सेवन से आप बड़ी आसानी से अपना ब्लड शुगर लेवल मैनेज कर सकते हैं। हरे सेब में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट काफी अधिक होता है, तो डायबिटीज के मरीज हरे सेब का सेवन ज्यादा करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।